चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से ही इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बाल मजदूरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, बरेली में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। स्कूल छात्रों से यहां पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। जी हाँ, एक तरफ तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार काफी ज्यादा जो है प्रोत्साहित करती है, और दूसरी तरफ स्कूल में ही बच्चों से काम कराया जा रहा है। आपको बता दें, विद्यालय में जो है बच्चों से ईंट ढोने का काम क्या करवाया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई है जिसमें बच्चे ईंट ढोते नजर आए हैं, और इसका ये वीडियो बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इन ईंटों के बदले जो है बच्चों को आधी सिक्की रोटियां भी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितना गंभीर ये विषय है। बरेली में छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर बाल मजदूरी कराई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शशांक राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, एक तरफ सरकार जो है शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बच्चों को प्रोत्साहित करती है, और दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आती है, क्या कहेंगे? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से योगी सरकार में सर्व शिक्षा अभियान को लेकर योजनाएं चलाई जा रही है, तो उनकी इस योजना पर कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। इस तरह की घटनाओं पे जहां बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, और मिड डे मील पर जहां एनजीओ पर भी सरकार को एक शिकंजा कसना चाहिए, जहां पे उनको खाने की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जीरो है। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों की भी उम्र ज्यादा नहीं नजर आ रही, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किसी ने ये कभी देखा नहीं पहले, या इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई गई अब तक? कहीं ना कहीं यहाँ पर विभाग भी इस मामले में बहुत ही कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये पिछड़ा नजर आ रहा है कार्रवाई करते हुए, और बाल मजदूरी कराई जा रही है बच्चों से। और प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बच्चों को पहले बाल मजदूरी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आप साफ देख सकते हैं कि मिड डे मील का जो खाना है उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है, और कहीं ना कहीं वो खाना बासी है, वो बच्चों को परोसा जा रहा है। तो ये सवालिया निशान सरकार पे और प्रशासन पर भी लगता है कि जिस तरीके से वो योजनाएं चला रहे हैं, वो योजनाओं पर बट्टा नजर लगता आ रहा है। जी चलिए, अब तक तो मान लिया कि प्रशासन जो है कुंभकर्णीय नींद में सोया था, मगर अब ये वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात है, प्रशासन जो भी इसके अधिकारी होंगे उनके पास भी ये वीडियो गया होगा। तो वीडियो के वहां तक जाने के बाद अब कुछ एक्शन में आई है सरकार, अब कुछ अलर्ट बोर्ड पर कुछ एक्शन लेने का कोई फैसला लिया है? हमने जब यहाँ के बीएसए बरेली से बात की, तो उन्होंने पेपर का बहाना करते हुए ये कह दिया कि हम अभी उपस्थित नहीं है, और इस मामले से वो कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की कमियों को कहीं ना कहीं ये वीडियो उजागर करता है, और प्रशासन की कमियों को दिखाता है। जिस तरीके से बाल मजदूरी बच्चों से कराई जा रही है, तो ये बड़ा सवालिया निशान उठता है सरकार और प्रशासन पे कि उनकी योजनाएं जो है वो धरातल पर सही नजर उतरती नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां सरकार के दावों को ये वीडियो जो है पलीता नजर लगाते नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार का खाना बच्चों को दिया जा रहा है, और ईंटें उठवाई जा रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे है, ये 10-12 साल के बच्चे है, इनसे जो है स्कूल में ईंटें उठाने का काम करवाया जाता है, और बदले में इन्हें जो है कच्ची सिकी हुई रोटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल या निशान जरूर जो है सवाल खड़ा करता है सरकार पर कि आखिर बच्चे जिन्हें देश का भविष्य माना जाता है, जिन्हें उनके जो है पेरेंट्स, उनके माता पिता जो है स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं ये उम्मीद लगाकर कि आगे चल के इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, मगर ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो वाकई ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़े सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिर क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं, आखिर क्यों नन्हे मुन्ने बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम और पेन होना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से ईंटें ढोने का काम किया करवाया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और खाने की क्वालिटी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस प्रकार का बासी खाना बच्चों को परोसा जा रहा है। और इस सब मामले में आइए सुनते हैं अधिकारी का क्या कहना है। चलिए, तो विनय कुमार जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी, तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ सरकार जो है पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, और दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी मैडम, ये संज्ञान में आया है, मैंने जांच दे दिया है खंड शिक्षा अधिकारी को, किया सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और दूसरे साइड थे, लेकिन फिर भी वो स्कूल गए थे, जाँच कर लिए है। आख्या
आ गई है, जो कि हम लोग बहेड़ी साइड लगे थे, लेकिन कल इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की बात तो हर बार होती है सर, हर बार ऐसा बोला जाता है कि अब कार्रवाई होगी, और ये आज का वीडियो नहीं है, ये तो संज्ञान में तब आया जब ये वीडियो वायरल हुआ है। मैडम ये आज का ही वीडियो है, ठीक है, और क्योंकि ये चीज तो काफी दिनों से चल रही है, वीडियो तो अब निकल कर सामने। मैडम ये वीडियो आज का है, और जो है आज का, चलिए ठीक है, मान लिया ये वीडियो आज का है, मगर हमारे संवाददाता ने बताया इस प्रकार की चीजें जो है, मजदूरी तो काफी दिनों से हो रही है, वीडियो आज का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही ये काम हुआ होगा, पहले से ये काम हो रहा है। बच्चे का कभी संज्ञान में नहीं आया है, आज आया है तो जांच दिया गया है। क्या एक्शन अब आप लोग लेंगे, क्या कुछ करेंगे, कौन यहाँ पर जो है जांच रिपोर्ट देख लें उसमें क्या लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी ने। पर सर ये बड़े सवाल या निशान जो है खड़े करता है इस प्रकार का जो मामला सामने आता है, क्योंकि बड़ी उम्मीद लगाकर जो है अभिभावक भी बच्चों को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और आप देख सकते हैं इन बच्चों की उम्र भी ज्यादा नहीं है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या अधिकारियों का कहना है, हमेशा जो है अधिकारी बचते नजर आते हैं,